अचाला रास्ता क्लियर का। खवातीन हजरात, मैं इस वक्त एक तारीखी मकाम पर शाहजहां के जमाने की बनी हुई शाहजहां मस्जिद है। ये वही शाहजहां है जिनको शहजादा खुर्रम भी कहा जाता है और ये शहाबुद्दीन शाहजहां कहलाते हैं। ये वही शाहजहां है जिन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद बनाई, आगरे का ताजमहल बनाया और लाल किला बनाया, और इन्होंने बेशुमार अपने जिन तामीरात की जिनमें लाहौर, कश्मीर, अजमेर और दिल्ली की बेशुमार तामीरात शामिल हैं और ये मुगलिया दौर की बेहतरीन तामीरात हैं। जब शाहजहां किसी ज़माने में यहाँ पर सिंध में थे तो वो कई मुश्किलात का शिकार था, तो सिंध के अवाम ने, ठट्टा के अवाम ने उनकी बड़ी खिदमत अंजाम दी, बहुत उनको सहारा दिया और शाहजहां ने उसके एजाज में फिर उसके बदले में यहाँ पे शाहजहां मस्जिद बनाई। शाहजहां मस्जिद की बहुत सारी खसूसियात है। एक खसूसियत ये है कि इसके तकरीबन 99 गुंबद है और ये 99 के गुंबद जब गिरे जाते हैं तो ये तकरीबन 100 गुंबद गिने जाते हैं और हर बार इसकी जो तादाद है वो 100 के करीब होती है, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि ये 100 गुंबद ही है। ये शाहजहां वही है जिनकी शादी 16 साल अर्जुमंद बानो से हुई थी जो मुमताज़ महल कहलाती है, और अगर आपको याद हो तो मुमताज़ महल शाहजहां की तीसरी बीवी थी, लेकिन शाहजहां की जो तीसरी बीवी थी वो अर्जुमंद बानो मुमताज़ महल की पहली शादी थी शाहजहां। ये मस्जिद जब बनाई तो इसमें खसूसियत ये थी कि इसका जो मेन इलाका है, जो मस्जिद का एरिया है, उसमें बगैर लाउड स्पीकर के मस्जिद के मुअज्जिन और नमाज की सारी आवाज़ जो है नमाजियों को भी थी। ये उसका बड़ा कुशादा इलाका है। और जब शाहजहां तख्त नशीन हुआ तो मैं आपको ये बताता चलूं कि शाहजहां बेटा था जहांगीर बादशाह का और उसकी हिंदू माँ थी जगत गोसाई, मलिका जगत गोसाई, और बाज किताबों में है कि जगत गोसाई को मानमती भी, शहजादी मानमती भी कहा जाता था। तो ये शाहजहां ने अपने दौर में जितनी भी तामीरात करवाई वो सारी की सारी इस्लामिक तहजीब और सकाफत और इस्लाम की बेहतरीन मिसालें थी। यहाँ पर जो तामीरात की गई इसमें नीले रंग की जो लगाई गई ये टाइलें जो हैं ये तुर्की और मुगलों की बेहतरीन यादगार थी और उसी स्टाइल में बनाई गई हैं। बस आज फिफ्टा से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शाहजहां मस्जिद में आने के बाद हमको अंदाज़ा हुआ कि मुगल बादशाहों ने पाकिस्तान में भी, सिंध में भी बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी है, बहुत तामीरात की, और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इन मकाम पर तशरीफ लाइएगा। बस अब बशीर कमर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।